हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाले आईपीएल के नेक्स्ट मैच के बारे में। तो इस मैच में क्या टीम बनेगी फैंटेसी की, आपके उस पर डिस्कशन होगा और कौन सी साइट आपके लिए बेस्ट होने वाली है इस मैच के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उसी साइट की बात कर लेते हैं जहां पे काफी लोग जीत रहे हैं और आजकल सबसे पॉपुलर साइट बनी हुई है फैंटेसी प्लेयर्स के बीच में, और वो है विजन 11। तो गाइज, अगर आपने अभी तक विजन 11 पे साइन अप नहीं करा तो सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि उस विजन 11 पे आप साइन अप कर लीजिए, क्योंकि यहां पे खेलना आपका एक्सपीरियंस पूरा चेंज कर देने वाला है। क्योंकि यहां पे इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं, खास करके वन क्लिक से सारे कॉन्टेस्ट जब आप ज्वाइन करते हैं आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। और पहले लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे ज्यादा कॉन्टेस्ट, क्योंकि लेट प्लेइंग 11 आती थी, लेट टीम पोस्ट होती थी, बट अब ऐसा विजन 11 में नहीं है। आप देख सकते हैं विजन 11 क्या क्या फीचर्स आपको देता है, जिसमें एक सेकंड इनिंग का फैंटेसी है, ये तो आप लोग जानते होंगे। इंस्टेंट विड्रॉल आपको मिलता है, डेली 50,000 के गिव अवे या उससे ज्यादा गिव अवे आपको मिलते हैं। जब आप रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करते हैं, जब मेरा कोड लगाते हैं आप रेफर कोड एफएक्स, तो आपको विजन 11 देती है ₹500 का एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, तो आपके अकाउंट में ₹500 तो आ ही जाएंगे जब भी आप साइन अप करेंगे विजन 11 पे नीचे दिए हुए लिंक से और रेफर कोड में लगाएंगे एफएक्स, ₹500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लोएस्ट एंट्री फी तो यहाँ पे है ही है, रैंक क्लैश प्रोटेक्शन है, अगर रैंक क्लैश होती है तो पैसे वापस हो जाते हैं आपके। 1 करोड़ का लीडर बोर्ड है, मैं आपको बता दूं आईपीएल में लीडर बोर्ड है 1 करोड़ का, जिसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो टाटा सफारी है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड प्राइज में महिंद्रा की SUV है 700। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कार्स वगैरह भी आपको दे रहे हैं, रैंक 1 रैंक 2, उसके बाद बाइक्स वगैरह भी दे रहे हैं, फिर कैश प्राइजेस भी आपको दे रहे हैं। तो इस आईपीएल में बहुत बड़ा लीडर बोर्ड है इनका, तो खेलना मत भूलिएगा। आईपीएल का हर एक मैच लीडर बोर्ड का, यानी कि सबसे ऊपर जो मैच होता है एक लीडर बोर्ड का ग्रैंड लीग वाला, वो आपको जरूर खेलना है हर मैच में आईपीएल के। क्विक कस्टमर सपोर्ट है, कोई भी दिक्कत है तो इनको आप कॉल कर सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग फैंटेसी है, रिवर्स फैंटेसी है और मल्टीपल ज्वाइनिंग कॉन्टेस्ट, जो कि सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा यहाँ पे फैंटेसी में, जिसमें आप एक क्लिक पे एक जैसे 10 कॉन्टेस्ट, 20 कॉन्टेस्ट, 100 कॉन्टेस्ट या 200 कॉन्टेस्ट एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है विजन 11, चाहिए ज्वाइन कीजिए रेफर कोड एफएक्स लगा के। सो गाइज, आगे बात करते हैं विजन 11 की। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें भी काफी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ का लीडर बोर्ड है, और सिर्फ ये लीडर बोर्ड जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो हर मैच में 40-50 की जो सबसे ऊपर लीग है लीडर बोर्ड की, उसको खेल लीजिए, तो भी आपको ये प्राइजेस मिल सकते हैं। ठीक है, और जब भी डिपॉजिट करें 399 से लेके 499 का अगर आप डिपॉजिट करते हैं, देख सकते हैं गेट 100% कैश बोनस ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। तो अपना पहला डिपॉजिट यहां पे बड़ा कीजिएगा, मैं यही बोलूंगा 499 का कर दीजिएगा, और उस टाइम कोड लगा दीजिएगा फर्स्ट, यूज कोड फर्स्ट जब भी आप वो करें डिपॉजिट, तो ये कोड लगा के आपको 100% का कैश बोनस मिल जाएगा आपके अकाउंट में। अब बात करते हैं इस मैच की, SRH वर्सेस RR का ये मुकाबला है, फोर्थ मुकाबला है, 2 अप्रैल को खेला जाएगा। टाइमिंग होगी 3:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से, 3:30 बजे दोपहर में खेला जाएगा। फाइनल टीम के जो भी अपडेट होंगे वो मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर है। कमेंट सेक्शन में मेरा ही कमेंट है जो सबसे ऊपर पिंड है, और उस पिंड कमेंट में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू की, कहां पे मैच होने वाला है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि दिन का मैच है और ऐसे दिन के मैचेस में बैटिंग काफी अच्छी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी टीम बना सकते हैं, स्पिन पेस का रेशो क्या रहा आखिरी कुछ सालों में यहाँ पे जो भी मैचेस खेले गए आईपीएल के। सबसे पहले वही चीज हम देख लेते हैं कि पिच कैसा बिहेव करती है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। डोमेस्टिक मैचेस में यहाँ पे हुआ क्या है, T20 के जो भी घरेलू मुकाबले हुए 64 मैचेस में से 28 बैटिंग फर्स्ट 35 बैटिंग सेकंड ने जीत रखे हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 158 का हो रखा है। हाईएस्ट स्कोर सनराइजर हैदराबाद का 231 है और लोएस्ट टोटल दिल्ली कैपिटल्स का 80 है। अब आती है बारी स्कोरिंग पैटर्न की, सबसे ज्यादा इस वेन्यू पे कितना स्कोर हुआ है, सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है 33 टाइम्स 150 के डाउन, 150 से बिलो 150 के नीचे स्कोरिंग सबसे ज्यादा हुई है 33 बार हुई है। फिर आप देखिए 150 से 169 यहां पे 10 बार स्कोर हुआ है, फिर 170 से 189 9 बार स्कोर हुआ है, और 190 के ऊपर 12 बार स्कोर हुआ है। तो हर रेंज में स्कोरिंग जो हुई है वो तो ठीक है, बट 150 के नीचे स्कोरिंग जो हुई है वो बहुत ज्यादा बार है, लगभग 50% मैचेस में स्कोरिंग 150 के नीचे गई है। तो ये वेन्यू जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा आप नहीं बोल सकते, एवरेज वेन्यू रहेगा।
यानी भाई 150 160 की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं मैक्सिमम मैचेस में, यहाँ पे यही देखने को मिला है। आखिरी चार मैचेस जो आईपीएल के यहाँ पे खेले गए उनमें भी अगर आप देखें तो एक आधी मैच है जिसमें स्कोरिंग अच्छी हुई है, बाकी सारे मैचेस में स्कोरिंग 150 के आसपास आपको देखने को मिलेगी जो हमने एक एवरेज निकाला था। और स्पिन पेस का अगर आप रेशियो देखें ना इन मैचेस में जो यहाँ पे लास्ट खेले गए, तो उसमें आप पाएंगे कि पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाली हैं। आखिरी चार मुकाबले जो आईपीएल के खेले गए उसमें 26 विकेट पेसर्स यानी फास्ट बोलर्स ले गए हैं और स्पिनर्स को मिली हैं 17 विकेट। और इनिंग वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने 26 में से 16 विकेट निकाली, सेकंड इनिंग में 10 निकाली, वैसे स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट निकाली, सेकंड इनिंग में 8 निकाली। ठीक है, तो बायफकेशन कर दिया वैसे भी। अब देखते हैं दोनों टीमों ने आपस में कितने मुकाबले खेले। आपस में इन टीमों ने खेले हैं 16 मुकाबले जिसमें से 8 एसआरएस जीती है और 8 मैचेस राजस्थान रॉयल्स जीती है, यानी यहाँ पे तो दोनों टीमें जो है टक्कर की नजर आ रही हैं। अब अगर हम आखिरी 5 मुकाबले देखें तो उसमें आरआर ने 3 मुकाबले जीते और एसआरएच ने 2 मुकाबले जीते। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आखिरी 5 मैच में राजस्थान ज्यादा बेटर दिख रही है, और अगर आप आखिरी 16 मुकाबले देखें पूरे के पूरे हेड टू हेड मैचेस, तो वहां पे दोनों का आप कह सकते हैं कि लगभग बराबर का शेयर है, 8-8 मैचेस दोनों ने जीत रखे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वेन्यू पे लोगों ने कितने मुकाबले खेले। इस वेन्यू पे इनने 3 मुकाबले खेले, तीनों के तीनों एसआरएच जीती है। एसआरएच का होम ग्राउंड भी हैदराबाद और रिकॉर्ड इनका यहाँ पे अच्छा है। अगर हम इनके सेपरेटली मैचेस देखें सारी टीमों से कितने मैचेस खेले इन टीमों ने इस वेन्यू पे हैदराबाद में, तो एसआरएच ने हैदराबाद में टोटल 44 मुकाबले खेले, 30 ये लोग जीते हैं, 14 ये लोग हारे हैं, तो एक अच्छा खासा विनिंग रेशियो है एसआरएच के पास, एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो 6 मुकाबलों में से ये लोग 2 जीते हैं और 4 हारे हैं, तो इनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम लग रहा है। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पे वेन्यू की, वेन्यू पे एसआरएच अच्छा करती है। अब बात करते हैं आखिरी 4 मैचेस में लोगों ने क्या किया है, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आखिरी 4 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी दी है। हालांकि पुराने मैचेस में आपको जो दिखा रहा हूँ कई प्लेयर यहाँ के वहाँ हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं है कि अब कोई प्लेयर इसी में खेलता रहेगा लगातार, क्योंकि आप देखिए 2022 21 और 20 तक के मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाए हेड टू हेड के, तो प्लेयर यहाँ वहाँ हो चुके हैं। बट फिर भी देख लो लास्ट मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था उसमें आरआर ने 210 बनाया था, एसआरएच ने 149 बनाया था। इस मैच को आरआर 61 रन से जीती थी। ये सबसे लेटेस्ट मैच है इन दोनों टीमों के बीच का, 29 मार्च 2022 का। इस मैच में संजू सैमसन ने 55 बनाया था, पडिकल ने 41 बनाया था, ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिली थी, एडिन मरकम को 57 रन बनाए थे मरकम ने, मरकम अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे, सुंदर ने 40 रन बनाए थे, नटराजन को 2 विकेट और उमरान मलिक को 2 विकेट मिली थी। ठीक है, अब इनके बीच का एक और मैच देखते हैं 27 सितंबर 2021 का, आरआर ने बनाया 164, एसआरएच ने 167 बना के चीज 7 विकेट से जीत गई। आरआर की तरफ से संजू ने फिर परफॉर्मेंस दी 82 रन की, वो देखिए 55 बनाए थे, यहाँ पे 82 फिर बना दिए, यानी कहीं ना कहीं एसआरएच के सामने संजू अच्छा खेलते हैं। फिर जसवाल ने 36 बनाए, मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट निकाली, यहाँ से जेसन रॉय ने 60 रन, सिद्धार्थ कौल ने 2 विकेट निकाले। एक और मैच में चलते हैं 2 मई 2021 के, आरआर का 220 रन का स्कोर है, एसआरएच का 165 रन है, 55 रन से आरआर जीती है। अब आरआर की तरफ से जॉस बटलर ने यहाँ पे 124 रन बनाए, संजू सैमसन ने अगेन परफॉर्मेंस दी 48 रन की। अब देखो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहा संजू सैमसन, तो ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। मुस्तफिज रहमान ने 3 विकेट निकाली, मनीष पांडे 31 रन, संदीप शर्मा 1 विकेट। अब एक और मैच देखते हैं 2020 का, इन दोनों टीमों के बीच में संजू ने फिर परफॉर्म कर दिया, संजू तो हर बार परफॉर्म कर रहा है, 36 का स्कोर कर दिया और खराब स्कोर भी नहीं कर रहा है, 36 48 82 55 ऐसे स्कोर कर रहा है संजू, तो संजू तो मेरा कप्तान वाइस कप्तान आज डेफिनेटली रहने वाला है। रियान पराग 20, जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, मनीष पांडे 83 नॉट आउट, जेसन होल्डर 3 विकेट। ये रही परफॉर्मेंस इन प्लेयर्स की जब भी ये टीमें आपस में खेली है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो परसेंटेज की बात करें प्रेडिक्शन की, तो कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ तो समझ गए कि आरआर थोड़ा सा बेटर तो करी है, भले आपको लग रहा है 50-50% का चांस हो सकता है दोनों टीमों का विन करने का, बट मुझे लगता है शायद आरआर थोड़ा सा बेटर कर सकती है, क्योंकि पहले भी आप देखिए आखिरी 5 मैच में भी 3 इन्होंने जीते और इस वेन्यू पे भी आखिरी 3 मैचेस जो खेले हैं तीनों ही मैचेस खेले, तीनों में जीत जो दर्ज करी है सॉरी आरआर नहीं एसआरएच ने, तो एसआरएच थोड़ा सा बेटर कर सकती है। मतलब मैं बोलूंगा आरआर के चांसेस 45-50% के हैं, तो यहाँ पे इनके चांसेस एसआरएच के 50-55% के हैं, क्योंकि होम ग्राउंड कंडीशंस इनको मैच करेंगी और इन्होंने यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेले, ज्यादा विनिंग हासिल करी है और जितने भी मैचेस आरआर से खेले सारे के सारे 3 के 3 मैच इन्होंने जीते हैं एसआरएच ने, तो एसआरएच थोड़ी सी स्ट्रांग मुझे लग रही है। आगे बढ़े और बात करें प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान रॉयल्स की सबसे पहले प्लेइंग 11 देखेंगे, तो इनके ओपनर्स बैट्समैन होंगे जयसवाल, बटलर और जयसवाल। ठीक है, ये 2 प्लेयर ओपन करेंगे टीम के लिए। ठीक है,
राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, और अगर मान लीजिए कोई लेफ्टी बैट्समैन आउट हो जाता है तो पर्टिकल को ऊपर भेज दिया जाएगा, मान लीजिए जायसवाल आउट हो जाते हैं तो पर्टिकल चले जाएंगे, और अगर कहीं बटलर जल्दी आउट हो गए तो फिर संजू सैमसन बैटिंग करने आएंगे, तो ये बैटिंग ऑर्डर रहेगा। फिर नंबर पांच पे शिमरन हेटमायर रहेंगे, इनके पास रियान पराग है, जेसन होल्डर जैसे ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं, फिर रविचंद्रन अश्विन है, इनके पास ट्रेंट बोल्ट है, चहल है, संदीप शर्मा है, ठीक है। अब कौन कितने ओवर बॉलिंग करेगा एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेयर लगभग चार ओवर कन्फर्म करेगा उसमें आई थिंक एक युजवेंद्र चहल होना चाहिए, एक ट्रेंट बोल्ट होना चाहिए, एक जेसन होल्डर होना चाहिए। ये प्लेयर मेरे हिसाब से चार चार ओवर पूरे करने चाहिए। अब इसके बाद आठ ओवर और बचे ना, ये तो हो गए 12 ओवर। अब लगभग तीन ओवर के आसपास संदीप शर्मा कर सकता है, तीन ओवर के आसपास रविचंद्रन अश्विन कर सकता है। अब दो ओवर और बचते हैं 20 ओवर में, ठीक है। अब वो दो ओवर कौन करेगा, वो दो ओवर रियान पराग और जायसवाल कर सकता है एक एक ओवर, या फिर हो सकता है पराग ही दो ओवर कर दे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इस टीम की प्लेइंग 11 सेट रहेगी। मेन बॉलर इनके पास अगर आप देखें तो वो पांच ही हैं, ठीक है, बाकी छठा ऑप्शन रियान पराग करेगा, और समटाइम्स जायसवाल भी गोल्डन आर्म माने जाते हैं बॉलिंग में, तो ये कर सकते हैं बॉलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनके पास अश्विन है, लेफ्ट आर्म पेसर में ट्रेंट बोल्ट है, राइट आर्म लेग ब्रेक में चहल है, और राइट आर्म मीडियम में संदीप शर्मा है। डेथ ओवर्स की हम बात करें तो इनके पास दो अच्छे डेथ बॉलर जो है वो एक तो ट्रेंट बोल्ट है और एक जेसन होल्डर है। तो ये दोनों प्लेयर जो है ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने चाहिए, जेसन होल्डर और ट्रेंट बोल्ट। चार ओवर कंफर्म भी करेंगे और डेथ के आखिरी चार ओवर भी यही लोग करने चाहिए, ठीक है। संदीप शर्मा आपको मोस्टली जो है पावर प्लेज में एक्टिव दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पे इस टीम की। अब इस टीम के प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ताकि अपनी फैंटेसी की टीम, विजन 11 की टीम, या फिर किसी भी फैंटेसी आप खेल रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, उसके लिए जानना जरूरी है इन प्लेयर्स के बारे में इन डेप्थ। तो देखिए, जॉस बटलर के आखिरी तीन चार T20 मुकाबले अगर आप देखें, आखिरी पांच T20 मुकाबले, तो इसने आखिरी पांच में से तीन मैचेस में आप देखिए स्कोरिंग कितनी जबरदस्त की है, 40, 67, 78 के स्कोर्स हैं। सबसे रीसेंट स्कोर 40 का है, फिर 4, 67, 13, 70। तो आखिरी पांच में से तीन मैच में इसने परफॉर्मेंस दिया, और अगेंस्ट SRH आप देखिए आखिरी तीन मैचेस में दो बार परफॉर्मेंस दी, एक बार 35 रन बनाए, उसके पहले 124 रन बनाए, उसके पहले 9 रन बनाए, परफॉर्मेंस दी है इसने। और इस वेन्यू पे देखें तो हालांकि रिकॉर्ड बटलर का इस वेन्यू पे अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं जायसवाल की, तो आखिरी पांच छह मैचेस में आप देखिए दो ही बार चले हैं, बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते, प्लेयर अच्छे हैं बट उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते इनिंग्स को। अपोजिशन टीम के सामने आखिरी तीन मैच में एक ही बार चले हैं मोस्टली, और इस वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। अब बात करते हैं संजू सैमसन की, हीरो प्लेयर है इस टीम के, आखिरी पांच मैच में दो बार 50 प्लस के स्कोर्स रहे इनके। बटलर से आप देखिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन दिख रही है, बट हेड टू हेड में बहुत ही शानदार स्टेट है। SRH के अगेंस्ट जब जब खेले तब तब स्कोर करा है, 55, 82, 48 है ना, ये इसके आखिरी कुछ स्कोर्स हैं। लास्ट स्कोर 55 का इसका रहा था SRH के अगेंस्ट, और उसके पहले के स्कोर्स भी देखिए 82, 48। इस वेन्यू पे भी देखिए लास्ट टाइम शतक लगाया था, और पहले के स्कोर देखिए 49, 42। आई थिंक इसको तो कप्तान ही कर दीजिए, कप्तान वैसे लोग बटलर को करेंगे, वाइस कप्तान संजू करेंगे, बट अगर थोड़ा सा रिस्क ले सके तो इवन संजू कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिकॉर्ड तो बटलर से भी अच्छे हैं हेड टू हेड में भी और वेन्यू पे भी। संजू का बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। फिर आते हैं देवदत्त पडिकल, लेफ्टी बैट्समैन है ये, और बैटिंग प्रमोशन इनकी हो सकती है अगर जायसवाल जल्दी आउट हो जाए, तो लेफ्टी बैट्समैन ही आई थिंक जाएगा बटलर के साथ। ये देखिए पडिकल की रीसेंट परफॉर्मेंसेज जो है वो काफी अच्छे रहे, जिसमें आखिरी पांच मैच में एक शतक है, दो स्कोर इनके 20 से ऊपर रहे, अपोजिशन टीम के सामने बैक टू बैक 41-41 के स्कोर्स करे, और इस वेन्यू पे अब तक नहीं खेले हैं। फिर आते हैं शिमरन हेटमायर, आखिरी पांच छह मैचेस में आप देखिए तीन बार स्कोरिंग काफी अच्छी करी हेटमायर ने, और अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम 32 का स्कोर किया था। इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 9 रन बनाए थे हेटमायर ने। आगे आते हैं रियान पराग, जो काफी अच्छे बैटिंग फॉर्म में लग रहे हैं रीसेंट टाइम पे, आप देख सकते हैं स्कोरिंग बहुत अच्छी कर रखी है T20s में, तो रियान पराग आपके लिए ग्रैंड लीग पे खो सकते हैं। अपोजिशन टीम SRH के सामने कभी नहीं चले, आखिरी तीन मैच में तो बिल्कुल नहीं चले, और इस वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। रियान पराग पार्ट टाइम गेंदबाज भी है आपको बता दूं। फिर आते हैं जेसन होल्डर, राइट ही बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, रिसेंटली बॉलिंग स्टैट्स थोड़े से एवरेज चल रहे हैं, बैटिंग स्टैट भी काफी एवरेज चल रहे हैं, बट ये प्लेयर कभी कभी डेथ ओवर्स में काफी विकेट लेके जाता है, खासकर के फर्स्ट बॉलिंग के केस में, इसलिए आपको इसको टीम में जरूर पिक करना है। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड काफी अच्छा है SRH के सामने, आप देख सकते हैं इजिली परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इनका देखने को मिलेगा आपको बॉलिंग से, और इस वेन्यू पे अब तक कोई विकेट इनको नहीं मिली है। अब बात करते हैं रविचंद्र अश्विन की, रिसेंटली फॉर्म अगर आप बैटिंग में देखें, बैटिंग वैसे आने के बहुत मुश्किल है, बट अगर आगे थोड़ा बहुत स्कोर करने की क्षमता रखते हैं, ऑफ ब्रेक बोल रहे हैं, तीन ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, चार ओवर भी कन्फर्म करें, ये कन्फर्म नहीं, चार ओवर आई डोंट थिंक ये करेंगे बोले,
ये देख सकते हैं इनके आखिरी कुछ मैचेस एवरेज रहे हैं। अपोजिशन टीम के सामने आखिरी तीन मैच में विकेट मिली ही नहीं है और इस वेन्यू पे अगर आप देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस रही है। फिर हम बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की। रिसेंटली देखें तो आखिरी पांच में से तीन चार मैच में विकेट इनको मिली है, डेथ बॉल है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत में भी विकेट ले सकते हैं, थोड़ा स्विंग मिल गया अगर। ये देखिए एसआरएच के सामने स्कोरिंग इनकी बहुत अच्छी रही है, बहुत विकेट निकाले हैं और इस वेन्यू पे देखें तो थोड़ा सा रिकॉर्ड एवरेज है। चहल की बात करें, चार ओवर पूरे करने चाहिए, रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक दिख रही है, अपोजिशन टीम के सामने फॉर्म भी ठीक है और इस वेन्यू पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो भी चहल का ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। संदीप शर्मा रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी पांच में से तीन मैच में विकेट निकाले हैं, दो बार तीन तीन विकेट निकाले हैं, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड एवरेज है, वेन्यू पे रिकॉर्ड भी थोड़ा सा एवरेज है। अब बात करते हैं इनके पास जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है बेंच में, ध्रुव जोवेल, ओबे मकोए, नवदीप सैनी, कुलदीप सैन और डोनोवन फेरारा, ठीक है। अब इसमें कुलदीप सैन एक बहुत अच्छे प्लेयर है जिनको शायद टीम मौका दे सकती है, अगर संदीप को नहीं खिलाया, संदीप शर्मा को नहीं खिलाया तो कुलदीप सैन को खिला सकती है, जो कि इवन समटाइम्स डेथ में काफी अच्छा करके जाते हैं, तो टीम इनको फिर डेथ में भी यूज कर सकती है। बाकी प्लस के भी आप स्टैट देख लो, रिसेंटली फॉर्म उनका जो चल रहा है, बैटर या बॉलर है जो भी, सब कुछ लिखा है T20 में क्या कर रहे हैं और SRH के अगेंस्ट क्या कर रखा है और इस वेन्यू पे क्या कर रखा है, ठीक है। एक स्लाइड और है, ये भी एक्स्ट्रा में प्लेयर्स अवेलेबल है इनके पास, जो रूट, मुरुगन अश्विन, के एम आसिफ, एडम जंपा, कुणाल राठौर, इनके भी स्टैट लिख रखे हैं जिसमें के एम आसिफ और एडम जंपा की काफी अच्छी T20 स्टैट चल रहे हैं और इवन अपोजिशन टीम के सामने जंपा ने एक बार 6 विकेट भी निकाले थे और इस वेन्यू पे भी लास्ट टाइम जंपा ने 2 विकेट निकाले थे। देख लीजिएगा जो जो प्लेयर खेले स्टैट बेस पे, फिर आप उनको बाद में फैंटेसी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको प्लेयर बताए इनके अपोनेंट टीम के सामने कैसे परफॉर्मेंस है, जैसे जॉस बटलर जो है राजस्थान के प्लेयर है आपको पता, ये कैसा खेलते हैं अपोजिशन टीम SRH को 10 मुकाबलों में SRH के सामने, देखिए 232 रन बनाए हैं, बैटिंग एवरेज इनका 23 का है, अच्छा है। जयसवाल तीन मैच में 68 रन है, 22 की इनकी बैटिंग एवरेज है, एवरेज मतलब बहुत अच्छी नहीं है। संजू सैमसन 19 मैच खेले SRH के सामने, 670 रन है, 44 की बैटिंग एवरेज है, देखिए बटलर से भी अच्छी बैटिंग एवरेज संजू सैमसन कैरी करते हैं, देख सकते हैं क्लियरली 44 की बैटिंग एवरेज है अगेंस्ट SRH। फिर आते हैं पडिकल, 6 मैच में 155 रन है, इनकी बैटिंग एवरेज 25 के आसपास की है। फिर आते हैं सिमरन हेटमायर, 7 मैच में 196 रन, इनकी 32 की बैटिंग एवरेज है। यहाँ पे अगर आप एवरेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लेयर यहाँ पे एवरेजेस के हिसाब से दिख रहा है वो संजू सैमसन दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, जेसन होल्डर 5 मैच में 17 रन और 5 विकेट हैं, एवरेज परफॉर्मेंस रही 8 का बैटिंग एवरेज, 29 का बॉलिंग एवरेज है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, सामने वाली टीम का एक विकेट लेने में एक बॉलर कितने रन खर्चता है उसको बोलते हैं बॉलिंग एवरेज, इतने रन खर्चने के बाद होल्डर को अपोजिशन टीम का एक विकेट मिलता है। अश्विन का देखिए 16 मैच में 40 रन और मात्र 9 विकेट हैं, परफॉर्मेंस बहुत खराब है अपोजिशन टीम के सामने अश्विन की। ट्रेंट बोल्ट की देखिए 9 मैच खेले SRH के सामने, 11 विकेट हैं, 25 की बॉलिंग एवरेज है। चहल को देखिए 17 मुकाबलों में 20 विकेट अपोजिशन टीम के निकाली हैं, 23 का बॉलिंग एवरेज है। और संदीप शर्मा की 8 मैच में 9 विकेट हैं, 31 का बॉलिंग एवरेज है। आगे देख लेते हैं सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11, कौन कौन सा प्लेयर यहाँ पे ओपन करेगा। सबसे पहले ओपनिंग पेयर में इनके पास रहेगा राइटी बैट्समैन मयंक अग्रवाल और लेफ्टी बैट्समैन अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा जो है वो बॉलर भी है। फिर आते हैं नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, अब नंबर 4 पे देखो हैरी ब्रूक भी आ सकते हैं या फिर टीम अबुल समाद को कभी प्रमोट कर सकती है। वैसे तो अबुल समाद मिड में खेलने वाले प्लेयर हैं बट कभी भी बैटिंग प्रमोशन अबुल समाद को मिल जाती है। हैरी ब्रूक रीसेंट टाइम पे काफी अच्छा खेल रहे हैं, 4 या 5 तक बैटिंग करने आएंगे ही आएंगे। फिर ग्लेन फिलिप्स इस टीम के पास अवेलेबल है, वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर हैं। फिर इनके पास है स्पिन कैटेगरी में आदिल रशीद, पेस कैटेगरी में उमरान मलिक, फजल अक फारूकी और इस टीम के अगर आप देखें सबसे बढ़िया स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अब इस टीम में आप देखिए कौन कितने ओवर बॉलिंग करेगा एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, आई थिंक इनको 4 ओवर पूरे करने चाहिए। फजल अक फारूकी 4 ओवर पूरे करने चाहिए, उमरान मलिक 4 ओवर पूरे करने चाहिए, आदिल रशीद 4 ओवर पूरे करने चाहिए। तो ये होगा यहाँ पे कितने, 16 ओवर कंप्लीट। अब बचते हैं टीम के पास 4 ओवर, अब उन 4 ओवर में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे, एक तो वॉशिंगटन सुंदर होना चाहिए, उसके बाद आपका ये अभिषेक शर्मा होना चाहिए। अभिषेक शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ये लोग आई थिंक मिलके 4 ओवर करेंगे, हो सकता है सुंदर 3 ओवर करे और एक आध ओवर अभिषेक शर्मा को मिल जाए, तो ये इनकी बॉलिंग रहेगी। और डेथ बॉलर कौन रहेगा टीम का, सबसे पहले तो उमरान मलिक और फजल अक फारूकी, ठीक है, ये आई थिंक डेथ में बॉलिंग करेंगे। बट ध्यान रखिए भुवनेश्वर का भी डेथ में यूज होता है,
तो एक तरीके से तीन डेथ बॉलर है इस टीम के पास, ठीक है। वैसे भुवनेश्वर पावर प्ले में काफी यूज हो जाते हैं, कभी कभी तो तीन तीन ओवर पावर प्ले में खत्म हो जाते हैं, फिर एक आधी ओवर इनका बचता है तो डेथ के आसपास एक आधा ओवर बचता है। वहीं उमरान मलिक और फजलक फारूकी का मुझे लगता है कि लगभग ज्यादा ओवर बचेंगे डेथ ओवर में, ठीक है। और आदिल रशीद मिड ओवर में बॉलिंग करेंगे, सुंदर वगैरह मिड ओवर में आएंगे, अभिषेक शर्मा अगर बॉलिंग करते हैं तो मिड ओवर में करेंगे, ठीक है। ये हो गई इस टीम की प्लेइंग 11। इन प्लेयर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे ताकि अपनी फैंटेसी टीम में इनको ले सके या फिर नहीं लेना है तो वो भी देख सके। बात करते हैं सबसे पहले मयंक अग्रवाल की, कैसा खेल रहा है मयंक अग्रवाल। रिसेंटली आखिरी पांच मैच में सिर्फ 147 का स्कोर है, बाकी स्कोर सारे खराब है। अपोजिशन टीम राजस्थान रॉयल्स के सामने 167 का स्कोर है, बाकी स्कोर अच्छे नहीं है आखिरी तीन मैच में। और इस वेन्यू पे देखें तो आखिरी तीन मैच में 127 का स्कोर बनाया है लास्ट, उसके पहले स्कोरिंग अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल एवरेज पिक होगा मयंक अग्रवाल, बट है मैच विनर इस टीम के लिए। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा, रिसेंटली बैटिंग में बहुत अच्छे स्टैट नहीं है, बॉलिंग में भी एवरेज रही है, अपोजिशन टीम के सामने स्टैट कुछ खास नहीं है और इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अभिषेक शर्मा लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे एक ओवर करें चाहे दो ओवर करें, और अपोजिशन टीम के सामने बॉलिंग करी है बट उतने विकेट विकेट नहीं ले पाए। फिर आते हैं राहुल त्रिपाठी, रिसेंटली फॉर्म देखे तो आखिरी पांच में दो बार स्कोरिंग 30-35 के ऊपर कर रखी है इन्होंने, एक बार 35 और एक बार 44 बनाया, और अपोजिशन टीम के सामने स्कोरिंग थोड़ी सी एवरेज दिख रही है, वहीं वेन्यू पर रिकॉर्ड देखे तो वो बिलो एवरेज है। फिर आते हैं अब्दुल समाद, रिसेंटली फॉर्म देखे तो आखिरी पांच मैच में दो बार स्कोरिंग 41 और 55 के आसपास रही है, हेड टू हेड में आखिरी दो मैचेस में कुछ खास नहीं किया और वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आते हैं हैरी ब्रूक, रिसेंटली फॉर्म आपको इनका अच्छा नहीं दिख रहा होगा, आखिरी पांच ही मैच मैंने कंसीडर करे, बट अगर आप इनके आखिरी पांच की जगह आखिरी 10 मैच कंसीडर करें प्लस आप इनके बिग फॉर्मेट के परफॉर्मेंसेज वगैरह भी देखें तो आपको शायद समझ में आएगा कि हैरी ब्रूक इस टाइम पे कितने बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर बने हुए वर्ल्ड के, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको गूगल करिए, थोड़ा समझिए इनके बारे में, टेक्निक कितनी बढ़िया इनकी खेलने की, तो आप इनको टीम में जरूर पिक करेंगे। ये लगभग नंबर 4 या 5 तक बैटिंग करने हैरी ब्रूक आएंगे, अपोजिशन टीम को पहली बार खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपने ये रिकॉर्ड देख के सिर्फ टीम में सेलेक्ट किया तो आप गलती करेंगे, मतलब हैरी ब्रूक को आपने अगर सेलेक्ट नहीं किया वो भी ये रिकॉर्ड देख के तो वो गलती करेंगे। आप हैरी ब्रूक के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ सर्च करिए, समझिए, उसकी आखिरी कुछ इनिंग्स देखिए तो आपको पता चलेगा। ये रिसेंट टाइम पे न्यूज़ का चर्चा बना है, मतलब न्यूज़ में आप देखेंगे टॉपिक बना है कि ये हैरी ब्रूक जो है ये फ्यूचर है, ठीक है, क्रिकेट का। अब आते हैं ग्लेन फिलिप्स, रिसेंटली फॉर्म देखे तो आखिरी पांच मैच में एक बार शतक लगाया, बाकी टाइम स्कोरिंग बहुत कमजोर रही, आरआर को पहली बार फेस करेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं। अब आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, सामने वाली टीम में काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं तो सुंदर के आप 2 से 3 ओवर तो देखेंगे, हो सकता है 4 भी कर जाए, ये देख सकते हैं। बैटिंग में एक दो बार चले हैं और बॉलिंग में जब बॉलिंग करी है एक आध विकेट के आसपास लिया है, तो सुंदर भी आपके लिए एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखे तो आखिरी दो मैचेस में स्कोरिंग करी हुई है, हालांकि बॉलिंग में बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं दिखे, और इस वेन्यू पे देखे तो आखिरी दोनों मैचेस में जो बॉलिंग करी कुछ खास नहीं कर पाए। आदिल रशीद ये देख सकते हैं, रिसेंटली आखिरी 5 में से 4 मैच में विकेटें मिली हैं, लास्ट टाइम अपोजिशन टीम आरआर के सामने कोई विकेट नहीं थी, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट प्लेयर बहुत अच्छे हैं, सेकंड बॉलिंग केस में आपको इनको लेना चाहिए। फिर उमरान मलिक आते हैं, रिसेंटली फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, आखिरी 5 मैच में आप देखिए सिर्फ एक बार विकेटलेस गए और टोटल अभी तक 9 विकेटें जो है वो लेके जा चुके हैं आखिरी 5 मैच में, ठीक है। और अपोजिशन टीम के 2 विकेट निकाले थे लास्ट टाइम, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं फजल अक फारूकी, इनका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिस लीग में खेलते हैं अच्छे खासे विकेट लेके जाते हैं, फर्स्ट बॉलिंग केस में डेथ ओवर में आते हैं, देख सकते हैं फॉर्म बहुत अच्छी, आखिरी 5 में से 5 मैच में विकेटें हैं, आरआर को पहली बार फेस करेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं। अब आते हैं भुवनेश्वर कुमार, रिसेंटली फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, आखिरी 5 मैच में से 3 मैच में तो ये विकेटलेस चला गया, अपोजिशन टीम के सामने आखिरी 3 मैच में 2 बार विकेटें हैं और वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो एक बार 2 विकेटें हैं, 2 बार विकेट नहीं, तो भुवनेश्वर का परफॉर्मेंस काफी एवरेज देखने को मिला है। वहीं फजल अक फारूकी, उमरान मलिक ने रिसेंटली काफी इंप्रेस कर रखा है। आगे बढ़े बेंच स्ट्रेंथ देखते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स एक्स्ट्रा मैन के पास अवेलेबल है। थंगर आसू नटराजन है इनके पास, टी नटराजन, एडिन मरकम है जो कि अवेलेबल नहीं है, मार्को जेंसन अवेलेबल नहीं है, कार्तिक त्यागी, हेनरिच क्लासिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेयर्स हैं जिसमें आप परफॉर्मेंस देख लीजिए इन प्लेयर्स की, और बाय चांस इनमें से कोई प्लेयर खेल जाता है तो आप बिल्कुल उनको स्टैट देख के अपने टीम में ले सकते हैं, इसलिए इस चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ एक्स्ट्रा प्लेयर्स की, ये आपको काफ़ी मदद देती है, क्योंकि कभी कभी सब्स्टिट्यूट में ही प्लेयर आते हैं तो उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख लीजिए, ये और भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं, सारों के स्टैट लिख रखे हैं मैंने ताकि खेलें तो आपको पता रहे कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है, किसको मौका मिल सकता है। अब जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए उनका अपोनेंट टीम के सामने कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये मयंक अग्रवाल एसआरएच का प्लेयर है
और राजस्थान के सामने कैसा खेला है। राजस्थान के सामने मयंक ने 12 मुकाबले खेले, 365 रन बनाए हैं और 30 का बैटिंग एवरेज बनता है, जो कि काफी अच्छा है। बैटिंग एवरेज 30 का है, बहुत अच्छा है मयंक अग्रवाल का। अब अपोजिशन टीम कौन सी है, ये एसआरएच के प्लेयर है, अपोजिशन टीम है राजस्थान रॉयल्स, उनके सामने मयंक ने काफी अच्छा खेला है। अभिषेक शर्मा 3 मैच खेले राजस्थान के सामने, 30 रन है तो 30 की बैटिंग एवरेज होगी, एक ही बार आउट हुए थे, ठीक है 3 मैच में। राहुल त्रिपाठी 4 मैच अब तक खेल चुके, 96 रन से 24 के आसपास की बैटिंग एवरेज राहुल त्रिपाठी की बनती है। मरकरम के 2 मैच में 83 रन से 41 की बैटिंग एवरेज बनती है। सुंदर के 5 मैच में 75 रन और 1 विकेट है, 37 की बैटिंग एवरेज, 145 की बॉलिंग एवरेज बनती है। इसके बाद आगे देखें, अबुल समाद 2 मैच में 14 रन है, हेनरिक क्लासिन 1 मैच में 6 रन है, उमरान मलिक की 1 मैच अपोजिशन टीम के सामने खेला सिर्फ 2 विकेट है, भुवनेश्वर कुमार 14 मैच में 14 विकेट है और नटराजन की 3 मैच में 2 विकेट है अपोजिशन टीम राजस्थान के सामने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल, आप ये देखिए यहाँ पे जॉस बटलर वर्सेस भुवनेश्वर कुमार सबसे फेमस प्लेयर बैटल है। 39 बॉल्स कराई हैं भुवनेश्वर ने जॉस बटलर को, जॉस बटलर ने बनाए 43 रन और जॉस बटलर का 5 बार विकेट जो है भुवनेश्वर अब तक ले चुके हैं, तो भुवनेश्वर से प्रॉब्लम रहेगी जॉस बटलर को, खास करके कंडीशंस थोड़ी स्विंग की हुई हैं तो यहाँ पे भुवनेश्वर जो है वो अटैक में आ जाएंगे। सिर्फ 39 बॉल्स में आप देखिए 5 बार अब तक बटलर की विकेट ले चुके हैं, तो काफी परेशान बटलर को भुवनेश्वर कुमार करते हैं। आगे देखिए भुवनेश्वर ने संजू की विकेट निकाली है 3 बार, बट बॉल्स देखिए 85 बॉल्स और रन्स देखिए 111, 85 बॉल्स में 3 विकेटें, तो ये बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस नहीं है भुवनेश्वर की। संजू ने अच्छा खेला है भुवनेश्वर को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक दो स्टैट ये हैं, अश्विन ने मयंक अग्रवाल की 3 बार विकेट निकाली 39 बॉल्स में, 65 रन भी दे रखे हैं। फिर एक चहल का स्टेट देखिए, 47 बॉल्स में 72 रन्स मयंक ने बनाए इनके सामने और 6 बार अपनी विकेट दी है, बहुत ज्यादा विकेट देते हैं चहल को मयंक अग्रवाल, आप देखिए 47 बॉल्स में 6 बार विकेट दी रखी है, बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ अच्छा प्लेयर बैटल नहीं मिलेगा, तो फाइनली हम बात कर लेते हैं विजन 11 की टीम की। तो अगर आपने विजन 11 पे अभी तक टीम नहीं बनाई तो फटाफट आप सबसे पहले तो साइन अप कर लो, क्योंकि अगर आप विजन 11 पे साइन अप ही करोगे ना तो ही आपको ₹500 का बोनस मिल जाएगा। कैसे साइन अप करेंगे, रेफर कोड FX लगा के, FX कोड लगाने वालों को ₹500 का बोनस इंस्टेंट मिल जाएगा आपके विजन 11 अकाउंट में, तो फटाफट साइन अप करो, लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर है और डिस्क्रिप्शन में भी है विजन 11 का, जाके ज्वाइन कर लेना। अब मेरी टीम समझ लो विजन 11 पे मैंने क्या बनाई है और कैसे मैं सारी लीग्स खेलूंगा और उनको विन भी कर पाऊंगा, लॉजिक है समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा ग्रैंड लीग के लिए, इसलिए अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने लाइक नहीं करा होगा, आप लोग लाइक नहीं करना भूल जाते हो, मिस हो जाता है आपसे, बट लाइक कर दो, बहुत मेहनत करता हूं। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में, ठीक है। आप फटाफट सुन लो, कुछ मत देखो, संजू सैमसन मैंने पिक करे टीम में, बटलर पिक करे, बटलर को कैप्टन करा है, संजू को वाइस कैप्टन करा है, बट ध्यान रखो संजू सैमसन के स्टैट मच बेटर है जॉस बटलर से अपोजिशन टीम के अगेंस्ट भी और वेन्यू पे भी। लास्ट टाइम तो शतक लगाया था संजू ने इस वेन्यू पे, ठीक है, और बटलर को थोड़ी सी परेशानी जो है वो एक गेंदबाज से होती है और वो गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। तो अगर भुवनेश्वर कुमार का दिन रहा तो बटलर का विकेट जल्दी जा सकता है, पहले ही बहुत बार ये ले चुके इनका विकेट। और मयंक को प्रॉब्लम होती है किससे, युजवेंद्र चहल से, चहल इनकी 6 बार विकेट ले चुके भाई, तो मयंक अग्रवाल भी कप्तानी वाइस कप्तानी के बहुत अच्छे ऑप्शन तो नहीं होंगे, हालांकि 30 का एवरेज है इनका अपोजिशन टीम के सामने, बट फिर भी दिक्कत है, ठीक है। पर्टिकल को मैंने यहाँ पे टीम में लिया है, राहुल त्रिपाठी को लिया है, हैरी ब्रूक को लिया है, मेरे ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने पिक करा है जेसन होल्डर को। यहाँ पे एक और अच्छे ऑलराउंडर है वॉशिंगटन सुंदर, जिनको आप टीम में ले सकते हैं, बट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं होती अपोजिशन टीम के सामने, ठीक है। बैटिंग तो कभी कभी अच्छी कर लेते हैं बट बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाते अपोजिशन टीम के सामने। फिर मैंने यहाँ से उमरान मलिक को लिया है, फजल अक फारूक को लिया है, दोनों ही डेथ बॉलर्स हैं और अच्छे फॉर्म में भी लग रहे हैं। भुवनेश्वर को भी आप ले सकते हैं बट वो अच्छे फॉर्म में लग नहीं रहे मुझे। फिर मैंने यहाँ से ट्रेंट बोल्ट को लिया है जो होल्डर के साथ आए, होप डेथ में गेंदबाजी करेंगे, और चहल को मैंने अपनी टीम में शामिल कर रखा है। ये मेरी टीम विजन 11 पे बन रही है, कोई इसमें अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। कप्तानी वाइस कप्तानी में अगर कंफ्यूज हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 2 ही अच्छे पिक होंगे आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के, एक तो संजू सैमसन और एक जॉस बटलर। और अगर बहुत रिस्क लेना है तो इवन संजू को आप सीधा कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग बटलर को ही कैप्टन करेंगे क्योंकि बटलर ओपन करते हैं और संजू भी ज्यादा दूर नहीं 3 या 4 तक बैटिंग करने आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि लेफ्टी बैट्समैन आउट होता है कि राइटी बैट्समैन आउट होता है, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर इसमें चेंज कभी कभी हो जाता है, बस इसलिए कैप्टन बटलर और वाइस कैप्टन संजू करें। बाकी टीम आई थिंक जबरदस्त है, मस्त है, आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं। पूरे स्टैट देखने के बाद ये टीम बनाई गई है, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये टीम सामने आई है आपके, तो इससे खेलना शुरू कीजिए, विजन 11 पे खेलना शुरू करिए, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में। फाइनल टीम के अपडेट्स के लिए कमेंट सेक्शन में
पिंड कमेंट में, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, फटाफट उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए ताकि टॉस के टाइम पे आपको टीम इजीली मिल सके, अपडेटेड टीम मिल सके। आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।